रिस्पेक्टेड मनोज झा साहब, नवीद हामिद साहब, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों में किन किन लोगों के पास वोटर कार्ड हैं, एक बार हाथ उठाइए। आप लोगों में से 15% लोग जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो ये पाएंगे कि आपका वोटर कार्ड वहाँ मौजूद नहीं रहेगा और आप वोट नहीं कर पाएंगे। मेरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है हैदराबाद में, हमारा काम है इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अगर आप ये बैनर की फ़ोटो मुझे दे देंगे तो मैं आपने ये पूरा टेक्स्ट निकाल के टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दूंगा। हम लोगों ने इससे पहले कम्युनिटी रिलेटेड बहुत से ऐप्स बनाए हैं। एक है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स .com, ये वेबसाइट पे आप 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आप देख सकेंगे। NRC के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया है। रिसेंटली तीस्ता सतलवाद मैम के लिए हेट हटाओ ऐप बनाया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की जरूरत है, अगर वो सोशल बेनिफिट करता है, तो हम लोग विदाउट एनी चार्जेस आपको टेक्नोलॉजी की मदद करेंगे। हैदराबाद में बैठे हुए मुझे पता चलता है कि ओखला के गफ्फार कॉलोनी में कौन से घर से वोटर गायब हैं। इसलिए पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में PDF इलेक्टोरल रोल्स रहते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो भी एक इमेज है, एक तस्वीर है। पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग उस तस्वीर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्टोरल रोल्स में आपको ऊपर के हिस्से में गली का नाम रहता है, उसके बाद नाम, फिर गार्डियन का नाम, फिर उम्र, और उसके बाद घर का नंबर। जब प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग ये पूरा डेटा को एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाता है, मिसाल के तौर पे वोटर सीक्वेंस नंबर 1 है, वहाँ पे वोटर ID है, आदमी का नाम अब्दुल समद है, उनका गली का नाम है और घर नंबर है। तो उसके बाद घर नंबर और गली का नाम जब हम मिलवा देते हैं तो हम लोगों को यूनिक घर पता चल जाता है और कौन से घर में कितने वोटर्स हैं वो पता चल जाता है। मैंने ये काम शुरू किया गुजरात के इलेक्शंस के बाद। गुजरात के असेंबली इलेक्शंस जो 2017 में हुए थे, वहाँ पे 16 जगहों पे BJP ने जीती थी सिर्फ 3000 के मेजॉरिटी से। मिसाल के तौर पे आप गोधरा ले लीजिए, गोधरा में BJP की मेजॉरिटी थी 253 वोट्स। वहाँ की जब मैं वोटर लिस्ट एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये पाया कि 1800 मुसलमान घर गोधरा में ऐसे थे जिसमें एक ही वोटर था। क्या ये पॉसिबल है? इसी तरह से आप देख लीजिए ढोकला, बोताड़, हिम्मतनगर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20% मुसलमान घर ऐसे मिल रहे हैं जिनमें सिर्फ एक ही वोटर कार्ड मौजूद है। अब ये वोट गए कहाँ? नंबर एक, वोट जाने की वजह है शरारत। कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि इस पोलिंग बूथ में लास्ट टाइम कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले और उनके नाम से Form 7 अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नवीद साहब का वोट चले जाए तो मैं ऑनलाइन जाके Form 7 फिल कर सकता हूँ कि नवीद हामिद साहब यहाँ नहीं रहते। असल में होना ये चाहिए कि पोलिंग बूथ एजेंट जाके वेरीफाई करना है, उसके बाद नाम निकलना है, पर नाम निकल जाता है। दूसरी है इग्नोरेंस। ज़्यादातर मुसलमान दलित तबके किराए के मकान में रहते हैं, वो घर बदलते हैं और अपना वोटर कार्ड चेंज नहीं करते, तो जब कोई पोलिंग बूथ एजेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है उनका नाम निकाल देता है। तो इन वजहों से 20% मुसलमान घरों में अब एक ही वोट मौजूद है। कर्नाटका में जैसा आप देख रहे थे, हमने पता लगाया कि 18 लाख मुसलमान घर कर्नाटका में ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक ही वोटर था। हम लोगों ने ऐप बनाया और लिस्ट पब्लिश कर दी। जैसे ही लिस्ट पब्लिश हो गई, आर्टिकल्स आए, कारवान डेली में एक आर्टिकल आया था, फिर डेक्कन हेराल्ड ने उसको कवर किया, फिर इंडिया TV में उसके बारे में प्रोग्राम किया, तब इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में इलेक्शंस के डेट आ जाने के बाद नॉमिनेशंस के बीच में फिर से इलेक्टोरल ड्राइव कंडक्ट किया। तमाम 50,000 पोलिंग बूथ एजेंट्स को भेजा और कहा जिनके भी नाम नहीं है वो वापस नाम सिस्टम में ला सकते हैं। ये वोटर ऐप हम लोगों ने बनाया, सिर्फ 3 हफ्तों में एक वीडियो वायरल हो गया और 12,000 वॉलंटियर्स, ये कोई पार्टी के नहीं है, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने डाउनलोड किया और ऐप में आपको दिख जाएगा कि कौन से घर में वोटर गायब है, उनके घर तक पहुंचे और उनका वोटर कार्ड बनाने में मदद की। सियासत में ये आर्टिकल आया था, इलेक्शन कमीशन जो February 28 को कह दिया था कि वोटर लिस्ट फाइनल है, 12 लाख नए वोटर्स ऐड हुए इस प्रोसेस के वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है कि 12 लाख वोटर्स सिस्टम में आ गए सिर्फ 3 हफ्ते के पीरियड में। ये आर्टिकल में हम लोगों ने पूरी मेथोडोलॉजी दी है, आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आर्टिकल में। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पूरे इंडिया में 3 करोड़ मुसलमान वोटर सिस्टम में नहीं है। September 2, 2018 के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है 135 करोड़। अगर मुस्लिम परसेंटेज हम लेंगे 14.2%, उसके हिसाब से 18.9 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। अक्सर पॉपुलेशन ऑफ वोटिंग 62% रहता है जिनके 18 साल या उसके ऊपर रहते हैं। तो 11 करोड़ मुसलमान वोटर्स रहने चाहिए थे, बट उनमें से 3 करोड़ मिसिंग हैं। सिमिलर प्रॉब्लम दलित वोटरों का भी है,
दलित कम्युनिटी में 4 करोड़ वोटर्स मिसिंग हैं। अब यह प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, प्ले स्टोर में जाइए, मिसिंग वोटर्स ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐप में आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ आपको दिखेंगे। अगर आप एक पोलिंग बूथ क्लिक करेंगे तो आपके उसमें कितने गली है और गली में कितने घर है दिख जाएंगे। अगर आप एक घर को क्लिक करेंगे तो घर में कितने वोटर है दिख जाएंगे। तो आप उन घरों पर जाइए जो घर में सिर्फ एक ही वोटर बता रहा है, और जब जाएंगे उनको पूछेंगे आपको पता चलेगा कि उस घर में एक से ज़्यादा वोटर मौजूद हैं, तो 2 मिनट के अंदर उसी ऐप के जरिए आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। पहले मैं वॉलंटियर्स को कहता था कि आप डायरेक्टली जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में फॉर्म फिल कीजिए, बट मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्म इतना बड़ा है कि वो वॉलंटियर वहाँ फिल नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने ऐप में एक ऐसा फॉर्म बना दिया है, सिर्फ 3 चीज आपको फिल करना है, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट क्लिक करना है, कैमरा क्लिक करना है, आधार कार्ड लेके बटन दबा देना है, आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से उनका एड्रेस प्रूफ अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही ये चीज आप अप कर देंगे, ये डिटेल्स पूरे हमारे बैकएंड में आ जाएंगे। हमारे पास हैदराबाद में जो ऑफिस है वहां से हम लोग वो डेटा को लेंगे और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में फिल करेंगे, और वहां से ट्रैकिंग नंबर लेंगे और हमारी वेबसाइट में सेव करेंगे। और हर दिन रात में हमारा एक प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा जो देखेगा कि आज स्टेटस क्या है। पहला स्टेटस है सबमिटेड, दूसरा सब स्टेटस है बीएलओ अपॉइंटेड, थर्ड है बीएलओ वेरीफाइड। अगर एक स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच में 5 दिन से भी ज्यादा वक्त अगर लग रहा है तो हम लोग मेल कर देंगे ईआरओ को कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपका कार्ड जब तक मिलेगा हम लोग उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तीन हफ्तों में 7,900 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है और उन्होंने 22,000 नए वोटर कार्ड नए वोटरों को अप्लाई किया है, जिनमें से 20,000 फॉर्म हम लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। देखिए, हम लोगों ने 649 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा अभी तक ऐप में अपलोड किया है, जिससे हिसाब से 34 लाख मुसलमान घर ऐसे हैं जिनमें वोटर कार्ड नहीं है। देखिए, इस तरह से हम लोगों को रिपोर्ट मिलती है कि किस वॉलेंटियर ने कितने लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई किया है। आउट ऑफ 10 वॉलेंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह 4 खवातीन हैं टॉप पोजिशन पे। स्मिता ध्रुवा ने 890 लोगों का वोटर कार्ड फिल किया है, नेहा अंजुम ने 656 लोगों का वोटर कार्ड फिल किया है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अगर आज से आप अपनी जिंदगी का आधा घंटा इस प्रोजेक्ट पे देंगे तो 30 से 40 लाख मुसलमानों को वोटर कार्ड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, वहां पे हमारा मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं नवीद अहमद साहब का, जिन्होंने मौका दिया बात करने का।